हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग का डिस्कशन है वो होगा 2015 एंड 2016 एमकॉम बीएचओ एंट्रेंस के पेपर पे। तो पहले हम लोग 2015 पे डिस्कशन कर लेते हैं एंड 2017 के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं, तो उनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे और इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग 2015 के पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ से बता दें कि 2017, 18, 19 वही पेपर पैटर्न फॉलो हुआ है जो कि हमने डिस्कस किया था, बट 2017 के पहले के जो पेपर्स हैं ना, उस टाइम ओवरऑल 150 क्वेश्चंस कवर करता था एग्ज़ाम में, बट उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे काम के नहीं हैं, तो वो हम आप लोगों को साथ ही साथ कट करवा देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते अपना 2015 का पेपर। देखो पहले 15 क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो पहले 15 क्वेश्चंस बेसिकली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो वो आप लोग कर लेना, ठीक है। उसका आंसर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि बेसिकली लॉ पे बेस्ड है, तो लॉ हमारा सब्जेक्ट है, लॉ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज गिवन बाय मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। रीज़न बिंग हमने पहले भी बताया था कि अगर हम बात करें मिस्टेक की, तो मिस्टेक किसका पार्ट बनेगा, जहाँ पे हमारा कंसेंट फ्री नहीं होता, और जहाँ पे भी फ्री कंसेंट ना हो, मतलब फ्री कंसेंट मतलब क्या चीज़ हो गई कि अगर दोनों पार्टी ने अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है, तो उसमें ना पांच चीज़ें आती हैं। पहला आता है आप लोगों का कोअर्शन, फिर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर आता है मिस्टेक, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। और बेसिकली इन पांचों केसेस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये माना जाता है कि वो वॉइडेबल है, दैट इज़ जो पार्टी इनोसेंट है उसको ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो डिसकंटिन्यू करे। बट इसमें जो मिस्टेक वाला पॉइंट है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टी से मिस्टेक हुई है, दोनों पार्टी ने ही गलती से वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना नहीं चाहते थे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बना देंगे, वॉइड। मतलब बनने के बाद वो वॉइड हो गया, दैट इज़ कि उसकी एक तरह से कह लो कि जो उसकी जो वैल्यू है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब दोनों ही पार्टी फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए लायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स। गारंटी की बात किया है, बट ऑब्वियस थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। नेक्स्ट, ए विदाउट बीज अथॉरिटी लेट आउट हिज रेजिडेंशियल बंगलो टू सी, आफ्टरवर्ड्स बी एक्सेप्ट रेंट ऑफ द बंगलो फ्रॉम सी, इट इज़ एन एजेंसी क्रिएटेड बाय। क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले ये देख लेते हैं। ए विदाउट बीज अथॉरिटी लेट आउट हिज रेजिडेंशियल बंगलो टू सी, ए है इसमें, बी है और सी है। बंगलो किसका है, बी का। ए ने क्या किया, बिना बी से पूछे वो बंगलो रेंट पे दे दिया किसको, सी को, ठीक। आफ्टरवर्ड्स बी एक्सेप्ट रेंट ऑफ द बंगलो फ्रॉम सी, बाद में सी ने जब रेंट पे किया बी को, तो बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि बी को तो ये बोलना चाहिए था ना कि हमारी अथॉरिटी के बिना या हमारी परमिशन के बिना आपको बंगलो रेंट पे दिया गया है, बट बी ने क्या किया, ये रेंट एक्सेप्ट कर लिया। अब जब उसने रेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट इज़ एन एजेंसी क्रिएटेड बाय रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन मतलब बाद में जब आप उसकी एक्सेप्टेंस देते हो, बाद में जब आप उस चीज़ को, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन दे देते हो, तो उसको हम कहते हैं रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन मतलब बेसिकली होता है करेक्शन। तो यहाँ पे बी ने जैसे ही रेंट एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, बाई रैटिफिकेशन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल दैट नो वन शैल बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इज नोन एज क्वांटम मेरिट। क्योंकि क्वांटम मेरिट का मतलब ही यही चीज़ है कि आप किसी और के पैसे पे खुद को अमीर नहीं बना सकते, दैट इज़ नो वन शैल बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। किसी और के खर्चे पे, किसी और के पैसे पे आप खुद को एनरिच नहीं कर सकते, इसका मतलब है क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच कैन बी इन्फोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, कैन बी इन्फोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट्स प्रोहिबिट।
हमने पहले ही बताया कि अगर हम बात करें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो पार्टी जो इनोसेंट है, वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो डिसकंटिन्यू कर जाए। जैसे इफ़ इन केस मान लो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ ड्यू टू कोअर्जन, कोअर्जन मतलब जहाँ आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, तो आप इनोसेंट पार्टी हो। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो, चाहो तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, वन, दैट इज कैन बी इन्फोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वॉइड अग्रीमेंट्स द कोलेट्रल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड और अनइन्फोर्सेबल। वैलिड रीजन बीइंग, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई वॉइड अग्रीमेंट आपने किया और उसके पैरेलल कोई दूसरा अग्रीमेंट भी किया है, तो ये जो पैरेलल अग्रीमेंट है ये वैलिड होगा। इसको इसलिए वॉइड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि तुम्हारा मेन अग्रीमेंट वॉइड है। तो अगर वो कोलेट्रल है, दैट इज पैरेलल कोई दूसरा अग्रीमेंट बना है, तो वो वैलिड हो सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड टू द बेलमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सेम पर्पस, रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, गुड्स मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, और द ओनर मेंटेन्स अ कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर द सेम पर्पस। देखो बेसिकली पहले बेलमेंट का मतलब समझो, बेलमेंट में दो पार्टी होती है, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर मान लो आपने कोई स्कूटी परचेज किया, तो स्कूटी की तीन सर्विस फ्री होती है, तो जो बेली है वो क्या करेगा कि बेलर को अपनी स्कूटी देगा सो दैट वो सर्विस करके उनको रिटर्न कर सके। तो तीन सर्विस तो फ्री होती है, तो पहली तीन सर्विस ये किस पे करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। तो जैसे ही इनका पर्पस कंप्लीट हो जाता है उस स्कूटी से रिलेटेड, मतलब जैसे ही उसकी सर्विसिंग कर देंगे, वो लायबल है कि वो उसके ओनर को गुड्स रिटर्न कर दें। तो लिखा है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर द सेम पर्पस, ये तो है, रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, ये भी ठीक है, गुड्स मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल होगा तभी आप उसको वापस कर सकते हो, द ओनर मेंटेन्स अ कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। ये कोई स्टेटमेंट बेलमेंट से रिलेटेड नहीं है, द ओनर मेंटेन्स अ कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी वो तो हर ही केस में होता है ना, जो ओनर है वो तो बट ऑब्वियस उसका तो कंट्रोल होगा ही प्रॉपर्टी पे, बट उसने किस पर्पस से दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्कूटी की सर्विसिंग के पर्पस से। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर। नेक्स्ट, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइडेड फॉर अ लार्ज नंबर द कोरम फॉर अ जर्नल मीटिंग फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज वन थर्ड ऑफ द मेंबर, फाइव मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, टू मेंबर, सेवन मेंबर। फाइव मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए कोरम की बात कर रहा है, तो कोरम कितना होगा, फाइव मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। बेसिकली अब हम लोग कंपनीज लॉ पे आ चुके हैं, पर ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, टू ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, और टू डिक्लेयर डिविडेंड। बट ऑब्वियस अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आपको ओ आर की जरूरत है, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बाय अ प्राइवेट कंपनी, अ गारंटी कंपनी, अ पब्लिक कंपनी विच इशूज द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक, और अ पब्लिक कंपनी विच डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। यह स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस बोला है, तो बट ऑब्वियस क्या होगा, पब्लिक कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, अ पब्लिक कंपनी विच डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। नेक्स्ट, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और अर्लियर ईयर्स रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ब्रॉट फॉरवर्ड। आंसर फोर होगा, क्योंकि अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड हम लोग बेसिकली कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे करंट ईयर के प्रॉफिट से, चाहे पास्ट ईयर के प्रॉफिट से। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है, बाकी जितने भी रिजर्व्स बने हुए हैं ये कौन से रिजर्व्स हैं, ये स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं जिनको हम डिविडेंड पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, अ कंपनी मे इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट पार और एनी ऑफ द अबव। अगर इशू करने की बात हुआ है तो इनमें से किसी पे भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड बाय
रजिस्ट्रार टू द इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फंड मैनेजमेंट। किसकी बात बोला है? कह रहा है शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बाकी तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता। रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर या फंड मैनेजर्स की बात कर रहा है। इन लोगों को शेयर से कोई लेना देना नहीं है। किसको मतलब होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही शेयर्स का अलॉटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 2 और पब्लिक कंपनी की बात करें तो 7, दैट इज 2। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 से आप लोग देखोगे तो मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट हो गया और ये क्वेश्चंस भी आप ही लोगों को करना है। तो मनी बैंकिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लेना, उसका आंसर हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे। देखो मनी बैंकिंग का ओवरऑल कितना क्वेश्चन हो गया बेटा? 15 क्वेश्चंस हो गया। बस ये है कि पेपर पैटर्न से कंफ्यूज मत होना। पेपर पैटर्न वही है जो हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, और ये क्योंकि पहले के क्वेश्चन से, तो उस टाइम क्या था ना कि हर सब्जेक्ट से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। मतलब अभी अगर आप लोग देखोगे तो 6, 12, 24 ऐसे हमने बताया हर सब्जेक्ट से, तो उस टाइम 15, 30, 60 ऐसे आता था। क्लियर है? तो ये मनी बैंकिंग के 15 क्वेश्चन से ये आप लोग सॉल्व कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 से। यहाँ से स्टैट्स स्टार्ट हो रहा है। अभी जैसे स्टैट्स का अपने को पता है कि 6 क्वेश्चन आता है, इनकम टैक्स का 6 क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स का 6 क्वेश्चन आता है। बट उस टाइम 2017 के पहले बता रहे हैं कि स्टैट्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 135, द लार्जेस्ट नंबर इज 180 एंड द डिफरेंस ऑफ द 2 अदर इज 25, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अगर हमसे एवरेज पूछ रहा है तो बट ऑब्वियसली मीन की बात करें तो समीशन एक्स अपॉन एन हो जाएगा। मीन ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? मीन कह रहा है कि क्वेश्चन में 135 है। अच्छा, समीशन एक्स में अगर बात करें तो एक 180 है और कह रहा है डिफरेंस ऑफ द टू अदर इज 25। मतलब अगर एक एक्स है तो एक कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एक तो ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया और एक ये नंबर हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो 100 x = 100 आ जाएगा। एक 100 आ गया, एक 100 प्लस 25 125 आ जाएगा और एक नंबर कितना हो गया? 180। हमसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 100। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा 4, दैट इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 56। इफ द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 44, 45 and 61 ऑफ द एक्चुअल मार्क्स 48, 59, 67 respectively, then what would be the correct average? हमसे करेक्ट एवरेज पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, 24 और 56 है ना, यही है। ये कितना दिया हुआ है? 56, और ये कितना दिया हुआ है? 24, है ना। देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 24 स्टूडेंट्स का डेटा कितना है? 56 है। वो हम यही कर देते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा मीन कितना है, समीशन एक्स अपॉन एन, ये दिया हुआ है 56 और ये दिया हुआ है 24, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम समीशन एक्स निकाल सकते हैं। निकालो समीशन एक्स कितना है। समीशन एक्स के लिए हम लोग को सीधे क्या करना है? 56 × 24। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं समीशन एक्स इज इक्वल टू 1344। क्लियर? अब इस 1344 में ये तीन गलत आइटम्स ऐड हुए हैं और ये तीन सही आइटम ऐड करने हैं, कर दो। तो 1344 में हम माइनस करेंगे 44 माइनस 45 माइनस 61 ऐड 48 ऐड 59 ऐड 67 करके देखो कितना आ रहा है। ये आएगा मेरा जो करेक्ट सबमिशन आ जाएगा, अब वो होगा 1368। क्लियर? नंबर देखो, तीन लेस हुए तो तीन ऐड भी हुए, तो अभी भी कितने स्टूडेंट्स हैं? 24। इसको डिवाइडेड बाय 24 कर तो तुम लोग का करेक्ट मीन आ जाएगा। करेक्ट मीन कितना हो जाएगा? 1368 डिवाइडेड बाय 24, आंसर आएगा 57, दैट इज 2। क्लियर है? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? डेटा अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोड अ वेल डिफाइंड मेजर, रेंज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आइटम, क्वार्टाइल डेविएशन अ बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बट ऑब्वियसली क्योंकि रेंज की बात करो तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यही इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इन मिलियंस दिया है, व्हाट इज द एवरेज फीमेल पॉपुलेशन इन मिलियन। अब टोटल पॉपुलेशन में मेल पॉपुलेशन दिया है तो हम लोग क्या करें, फीमेल पॉपुलेशन माइनस करके निकाल लें। तो माइनस करके निकालेंगे तो ये आएगा 5.5
ये आएगा 2.8, 7.8, नेक्स्ट आएगा 8, नेक्स्ट आएगा 9.1 एंड नेक्स्ट आएगा 11.2। आ गया हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन। बस अब इन पांचों को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो, हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 5.5 प्लस 7.8 प्लस 8 प्लस 9.1 प्लस 11.2 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा 8.32। क्लियर? क्योंकि एवरेज पूछा है ना, मतलब मीन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्सन दिया है, सैलरी दी है, कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सैलरी एंड द लोएस्ट सैलरी। अब इसमें से लोएस्ट सैलरी तो हमें मिल गई, एवरेज सैलरी हम कैसे निकाल लेंगे? सीधे सीधे मीन करके, दैट इज 8.5 प्लस 7.6 प्लस 12.8 प्लस 5.4 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 5। एवरेज तो ऐसे ही निकलता है ना, करो देखो कितना आ रहा है, 8.5 प्लस 7.6 प्लस 12.8 प्लस 5.4 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा एवरेज आ गया 8.96। और डिफरेंस किसका पूछ रहा है, एवरेज एंड जो तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट या लोएस्ट सैलरी है, दैट इज़ 5.40। तो मेरा आंसर आ रहा है 3.56, दैट इज़ थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट, अब तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, बट स्टिल पहले के आए हुए क्वेश्चन से तो हम करवा दे रहे हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय कपिल इन 7 सब्जेक्ट आर 75। इफ़ आफ्टर रिवैल्यूएशन एवरेज मार्क्स इन ऑल द 7 सब्जेक्ट चेंज्ड टू 82, हाउ मेनी मार्क्स वर इंक्रीज्ड ओवरऑल। पहले कितना था, समेशन इज इक्वल, देखो मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। मीन कितना दिया हुआ है, बोल रहा है 75 है एवरेज मार्क्स, समेशन एक्स नहीं पता और 7, तो यहाँ से तुम्हारा समेशन एक्स निकल जाएगा। कितना निकलेगा, यह आएगा 525। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जो एवरेज है वो बदल के 82 हो गया, तो एवरेज 82 हो गया, समेशन एक्स अभी भी ये कितना है 7 है, क्योंकि बच्चे तो अभी भी सब्जेक्ट्स तो अभी भी उतना ही है, तो 82 into 7, तो मेरा अब समेशन कितना आ गया 574। कह रहा है रीवैल्यूएशन के बाद कुछ मार्क्स ऐड हुआ है, तो 574 माइनस 525 कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 49, दैट इज़ 4। क्लियर है? क्योंकि पूछ रहा था कि कितना मार्क्स ऐड हुआ है, तो सीधे सीधे हमने कैलकुलेट कर लिया कितना मार्क्स ऐड हुआ है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग गिवन द डेटा रिगार्डिंग एक्सीडेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, हाउ ऑन हाउ मेनी डेज 3 और लेस एक्सीडेंट्स अकर्ड। 3 और लेस, 3 या 3 से कम, तो ये 3 कवर होगा, दैट इज़ 19 प्लस 22 प्लस 31, 19 प्लस 22 प्लस 31, सबको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन ऐसा हुआ है कि 3 या 3 से कम एक्सीडेंट हुआ है, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 4, दैट इज़ 72, क्योंकि ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स था और ये फ्रीक्वेंसी बताई थी। क्लियर? नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेंड इन अ पेपर, वॉट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 30 और मोर देन 30 मार्क्स। देखो यहाँ कह रहा है, अगर मान लो ये तुम्हारे पास 30 है और ये 50 है, तो बिलो 30 कितने हैं 65 और बिलो 50 कितने हैं 100, तो बस 100 माइनस 65 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 35, कि 35 लोग ऐसे हैं जो कि किस लिस्ट में आते हैं, कि उनको 30 या 30 से ज़्यादा मार्क्स मिलना है। क्लियर? नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, द ज्योमेट्रिक मीन इज, इसका फॉर्मूला क्या है, ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर, ये दोनों दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 64 into 49, और अब क्या करो, सीधे सीधे अंडर रूट कर दो, है ना, या फिर सीधे क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका स्क्वायर देखे तो 8 है और इसका स्क्वायर देखे तो 7, सीधे 8 into 7 भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 356। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन, द सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन इज 0, इट हैज़ अ मैक्सिमम सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, इट्स कंप्यूटेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट ऑब्वियस हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं समेशन
एक्स माइनस मीन, मतलब हर डेटा का हम लोग अगर डिफरेंस निकालते हैं मीन से तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, ज़ीरो, तो आंसर हो जाएगा वन। ये प्रॉपर्टी है मीन की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट फ्री नंबर। अगर यूनिट फ्री नंबर की बात करो तो हमेशा कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट हमेशा यूनिट फ्री ही माना जाता है। नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन 50 इज 2500। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। मीन अपने पास दिया हुआ है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स माइनस मीन तो दिया है बेटा, कितना दिया है, कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, मतलब जब डिफरेंस से मीन के डिफरेंस से वैल्यू निकाल करके उसका स्क्वायर कर दें और उसका समेशन कर दें तो वैल्यू कितनी है 2500। तो ये वैल्यू 2500 दी है और एन कितना दिया है 100, अंडर रूट करेंगे 0 0 कट जाएगा, अंडर रूट 25 या कह लो कि 5 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये 50 है, ये 5 है, कितना आंसर हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना हो जाएगा, ये 50 है, ये 100 है, तो 2, 5 टू जैट 10, आंसर हो जाएगा 3, 10। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है मीन दिया 10, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया 3.5, ऑल द ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 5 वुड बी गिवन द रिजल्ट। देखो हम पहले प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि अगर मीन की बात करें, मीन में अगर हर ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो जो ओल्ड मीन है वो भी 5 से बढ़ जाएगा तो न्यू मीन 15 हो जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में बात करें, भले ही आप सारे ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दो बट स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, तो सीधे सीधे एज पर प्रॉपर्टी आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, द रेंज इंक्लूड्स 100% ऑफ द आइटम्स, 50% ऑफ द आइटम्स, 25% ऑफ द आइटम्स, 10% ऑफ द आइटम्स, बट ऑब्वियस 100% ऑफ द आइटम, तभी तो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 50 आइटम इज 10, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इतना याद रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है हर एक ऑब्जर्वेशन में तब तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, बट अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है हर एक ऑब्जर्वेशन में तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा चेंज होगा। यहाँ पे देखो हम एक एग्जांपल भी तुम लोग को दे देते हैं। पहले लेट्स से कि हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 2 and 4। क्लियर, तो x माइनस मीन निकालेंगे जो कि कितना हो जाएगा, मीन यहाँ से कितना आएगा 3 minus 1 1। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा 1 1, दैट इज़ 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, 2 divided by 2, दैट इज़ 1। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है अगर मान लो सारे ऑब्जर्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो इसको 2 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करने पे 2 आएगा। क्लियर, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो कितना आया, 1 आया है। तो अब मेरे पास नया डेटा हो गया 1 2 का। अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो मीन कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 0.5 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा 0.25 0.25, तो ये जाएगा 0.50। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, 0.50 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 0.25, अंडर रूट 0.25 देखो कितना होता है, ये हो गया बेटा 0.5। पहले का जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो कितना था 1, और अब कितना आ रहा है 0.5। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने 2 से डिवाइड किया था, हमने इसको भी 2 से डिवाइड किया था, इसको भी 2 से डिवाइड किया था, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि अगर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होता, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर, बस यही प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो, यहाँ पे हम लोग वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 10 है। अगर हर एक डेटा को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा, 4, दैट इज़ 20। क्लियर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। नेक्स्ट, व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट रिप्रेजेंट्स यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज़ ED इज इक्वल टू 1। ये हम पहले भी बता चुके हैं, जो हमारा एडिशनल क्वेश्चन था उसमें हमने इस पर डिस्कशन किया है, वहाँ प्लीज़ ये चीज़ आप देख लेना। कॉबवेब थ्योरम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये लर्न करने की चीज़ है, लर्न कर लेना।
मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, अगर मार्जिनल की बात करो तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं, एक एडिशनल की. क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, दैट इज एडिशन टू टोटल यूटिलिटी. नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ नेसेसिटीज. कंज्यूमर सरप्लस की अगर बात करें तो सिंपली उसमें यह था कि हम कितना पे करने के लिए रेडी और हमारा कितना खर्चा हुआ. तो नेसेसिटीज़ में हमेशा आपका कंज्यूमर सरप्लस जो आपके पास बच रहा है वो ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, व्हेन द डिमांड कर्व इज वर्टिकल इट रिप्रेजेंट्स. वर्टिकल की बात किया है, वर्टिकल मतलब ये हो गया, दैट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. इसका एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट. अब अगर मान लो सॉल्ट की आप प्राइस इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उसके डिमांड पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ना है. एंड अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स, मतलब पहले अगर मान लो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अगर मान लो इस तरीके से पीपीसी कर्व तुम्हारा बना, ये कह रहा है कि आगे की तरह अगर ये शिफ्ट हो गया तो, बट ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ को, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को प्रेजेंट करता है. तो आंसर जाएगा 3, इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट कह रहा है द एंजल कर्व फॉर अ गिफन गुड. गिफन गुड की बात किया तो बट ऑब्वियस नेगेटिवली स्लोप्ड होगा. एंड इनडिफरेंस कर्व इज, इनडिफरेंस कर्व की बात करें तो इस तरीके से बनता है, दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करें, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है. यूटिलिटी इज अ मेजरेबल एंड क्वान्टिटीएबल एंटिटी. हमें पता ही है कार्डिनल मतलब जहाँ पर आप चीज़ों को मेजर कर सकते हो. ठीक, तो सिंपली हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जहाँ पे हम यूटिलिटी को क्या मानते हैं कि वो मेजरेबल है. नेक्स्ट, अ मार्केट इन विच डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इज ट्रीटेड एज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. क्योंकि अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो उसमें हम होमोजीनियस, दैट इज सेम प्रोडक्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड, डिफरेंट प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट में, तो इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें बेसिकली 3 डिग्रीज होती हैं. बट अगर आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट चार्ज कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना, कि आप एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज कर रहे हो. अ डिमांड कर्व विच इज़ पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैज़ प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू, ये पैरेलल टू बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, दैट इज इन्फिनिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंस इन केस ऑफ स्विजीज ओलिगोपोली मॉडल. स्विजीज ओलिगोपोली मॉडल बोला है, अ प्राइस कट बाय अ फर्म इज फॉलोड बाय द प्राइस कट बाय द राइवल फर्म, ये होता है. प्राइस हाइक इज नॉट फॉलोड बाय द राइवल फर्म, ये भी होता है कि अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, पर अगर आपने प्राइस घटाया तो लोग आपको फॉलो करेंगे. फर्म्स डू नॉट रिएक्ट टू प्राइस चेंज मेड बाय वन ऑफ द फर्म्स. फर्म्स रिएक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्राइस चेंजेस मेड बाय द राइवल. ऑल काइंड्स ऑफ प्राइस चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस बढ़ाया है तो आप कभी भी प्राइस बढ़ाते नहीं हो. अगर राइवल फर्म ने प्राइस डिक्रीज़ किया तो नो डाउट आपको प्राइस डिक्रीज करना होता है. इंक्रीज करने के टाइम कोई भी इंक्रीज नहीं करता. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे फर्म्स रिएक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्राइस चेंज मेड बाय द राइवल. कह रहा था नॉट रेलेवेंस, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट. नेक्स्ट, एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वाइंट्स, द नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वाइंट. आंसर हो जाएगा सेकेंड. इकोनॉमिक रीजन पूछा है, सीधे सीधे हमने आंसर बता दिया. इन केस ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन द जीपी इज अ पोर्शन बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट कॉर्पोरेशन पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ. अगर जीपी की बात कर रहे हैं तो जीपी में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, सेल्स रेशियो. जीपी के लिए सबसे पहले हम लोग फॉलो करते हैं सेल्स रेशियो, कि अगर जीपी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्री और पोस्ट में तो हम लोग हमेशा प्रेफरेंस देते हैं सेल्स रेशियो को. नेक्स्ट, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट इज शोन अंडर. अगर लॉस हो रहा है किसमें, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट. प्रायर टू मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का नहीं है, प्रायर इनकॉर्पोरेशन का. तो जो प्रायर इनकॉर्पोरेशन है, बट ऑब्वियस हम क्या करते हैं उसको एक तरह से कह लो कैपिटलाइज करते हैं. तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इन पीएल अकाउंट, ये पॉसिबल नहीं है. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये भी पॉसिबल नहीं है. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ, थर्ड हो जाएगा. क्योंकि जितना रिटर्न ऑफ नहीं हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे बैलेंस शीट में शो कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट,
इशू ऑफ बोनस शेयर इज रेगुलेटेड अंडर बोनस शेयर की बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ AOA एंड SEBI गाइडलाइंस. अगर बोनस शेयर की बात करेगा तो इन दोनों को हमें प्रेफर करना होता है. नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर इशूड फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कलेक्टेड इन कैश ओनली. सिर्फ कैश वाला ही पोर्शन हम यूज करते हैं किसके लिए, बोनस शेयर के लिए. तो आंसर हो जाएगा 2. नेक्स्ट, द फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ. फाइनल अकाउंट बोला है सेक्शन 210, 212, 218, 220. आंसर हो जाएगा सेक्शन 210. विंडो ड्रेसिंग रिफर्स टू शोइंग पोजिशन बेटर देन वॉट एक्चुअली इट इज, शोइंग पोजिशन वर्स देन वॉट एक्चुअली इट इज, शोइंग फिक्टिशियस असेट इन द बैलेंस शीट और प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय वे ऑफ डिडक्शन ऑन द असेट कंसर्न. विंडो ड्रेसिंग की बात करें तो जो एक्चुअल में है उसे कई गुना ज़्यादा अच्छा दिखाना, दैट इज शोइंग पोजिशन बेटर देन वॉट एक्चुअली इट इज. क्लियर? नेक्स्ट, when the dividend exceed 20% of the paid up capital, the amount to be transferred to reserve shall not be less than 15%, 12%, 10% or 20%. कह रहे हैं when the dividend exceed 20% of the paid up capital, अगर 20% से ज़्यादा है तो कितना आपको कम से कम रिजर्व में दिखाना होगा, 10%. ये रूल है. नेक्स्ट, DPS दिया है 2, EPS दिया है 5 और मार्केट वैल्यू दिया है 25. What will be the yield? यील्ड पूछा है, यील्ड मतलब अर्निंग हो गई है ना, तो सीधे फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर इनटू 100, 420%. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड आउट द आइटम विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द कंपनी. पीएल अप्रो की बात कर रहा है तो पीएल अप्रो में क्या नहीं आएगा, स्टाफ ग्रेचुटी फंड, क्योंकि बेसिकली ये लाइबिलिटी है. नेक्स्ट, स्टेट द सेक्शन विच डील्स विद द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 309. ये पुरानी कंपनीज एक्ट 1956 की बात कर रहा है, बल्कि आप क्वेश्चन आना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 पे. द रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 387 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट. ये सब लर्न करने की चीज़ है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 205(2)(a) ऑफ द कंपनीज एक्ट, इस प्रपोज डिविडेंड इज मोर देन 12.5% बट नॉट मोर देन 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व इज 5%. नेक्स्ट, अनक्लेम डिविडेंड इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड अनक्लेम डिविडेंड की बात की है करंट लाइबिलिटी, क्योंकि अगले साल तो आप इसको पे कर ही दोगे, दैट इज करंट लाइबिलिटी है, विद इन अ ईयर आपको उसको पे ऑफ करना है. A company bought asset worth 360,000 and in lieu issued debentures of 100 each at a discount of 10%. The number of debentures issued will be 360,000 का आपने asset खरीदा है और 8 debenture की value कितनी, 100 minus 10%, that is 90. तो ये कितना हो जाएगा, 4,000. Next, if a share capital of 10 issued at a discount of 10% on which full amount has been called up is forfeited for non-payment of final call 2 rupees. The share capital account should be debited by but of is rupees 10, क्योंकि share capital account पूरा पूरा 10 रुपये से ही debit होता है, जितना पैसा आपसे मांगा गया है. Next, which one of the following is not a method of costing? Costing की अगर हम बात करें तो simply कौन सा method हो जाएगा, marginal costing, क्योंकि job costing है, operating costing है, process costing है, but marginal costing कोई method नहीं है costing का. Next, which one of the following is not a technique of costing? Technique की बात किया, वहाँ method की बात किया था या technique की बात किया, multiple costing. Next, if maximum lead time is 15 days and maximum daily consumption of material is 500 unit, reorder level of stock is, सीधे क्या करेंगे, 500 into 15 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 7500 units. कई सारे formula है, हमने second formula use किया जो maximum से related था. Next, earning of the labor, जहाँ पे देखो आवर्स वर्क इंटू आवरली रेट और हाफ मतलब 50% बोनस दिया हुआ है, तो 50% बोनस कहाँ था, हैल्से में है ना, रोवन में तो हमेशा रेट दिया रहता था, बट हैल्से में 50% हमेशा हम लोग बोनस की बात करते हैं. नेक्स्ट, ओवरहेड इज द सम ऑफ, ओवरहेड की बात की है तो बट ऑफिस इनडायरेक्ट की बात होगी, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, देर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, दे आर एलिमेंट्स की बात किया, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, दैट इज़ 4.
अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया इनकम टैक्स का. प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 इज, बट ऑफ इज 13-14. नेक्स्ट, मिस्टर ए वॉज प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस 13-14 फॉर 59 डेज. वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 330 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर. फॉर द प्रीवियस 13-14 ही इज. देखो जो बेसिक कंडीशन थी उसमें क्या थी कि प्रीवियस ईयर कम से कम 60 दिन और उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के जो चार साल है उसमें कम से कम 365 डेज अगर वो पर्सन रहा है तब वो रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा. बट ना उसने पहली कंडीशन कंप्लाई की ना उसने दूसरी कंडीशन कंप्लाई की, तो बट ऑफिस वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट. नेक्स्ट, एडिशनल डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन, अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन की बात करें तो बट ऑफिस न्यू प्लांट एंड मशीनरीज मीन फॉर प्रोडक्शन पर्पस. एडिशनल डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एडिशनल की बात किया तो न्यू प्लांट एंड मशीनरीज मीन फॉर प्रोडक्शन पर्पस. नेक्स्ट, गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज एक्सीड 36 मंथ्स. क्योंकि शेयर्स के केस में 12 महीने से ज़्यादा और बाकी के केस में 3 साल, दैट इज 36 मंथ्स हम लोग लेते हैं. अब देखो अकाउंट्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. द ऑल्टरनेटिव टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ऑल्टरनेटिव मेथड, दो ही मेथड होता है, कैश और एक अक्रूअल. नेक्स्ट, द डैश रिकॉर्ड्स ऑल डेली ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन द ऑर्डर इन विच दे अकर. ऑर्डर मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा है, डे टू डे, बट ऑफिस क्या हो जाएगा, जर्नल. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स एज एंड वेन दे अकर एंड क्लासीफाइंग दम इन टू सूटेबल अकाउंट हेडिंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, लेजर बनाते हैं. तो ये कब करते हैं, डे टू डे के बेसिस पे, जिस दिन जो अकर हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं और फिर उसका लेजर बनाते हैं, प्रॉपर हेडिंग दे करके हम लोग उसका लेजर मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट, रेवेन्यू इन जनरली रिकॉग्नाइज द पॉइंट ऑफ सेल विच कंसेप्ट इज अप्लाइड. रियलाइजेशन एज पर AS 9, यही था रियलाइजेशन कंसेप्ट. As per AS 9, revenue recognition में यही चीज़ बोला है कि जब वो realize होगा तब हम books में उसको record करेंगे. Next, according accounting of a small calculator as an expense and not as an asset इज ड्यू टू डैश कन्वेंशन मटेरियलिटी. क्योंकि जो जितना ज़्यादा मटेरियल है उसके बेसिस पे ही हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. नेक्स्ट, एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा है. ₹5,000 spent on replacement of a worn out part of a machine mill will be charged as revenue expenditure. Reason being हमसे क्या बोला है, replacement worn out part. Worn out part मतलब जो बेकार part है मशीन का उसको निकाल करके एक तरह से replacement कर रहे हैं, तो ये revenue expenditure है क्योंकि इससे कहीं पर भी मशीन की लाइफ, यूजफुल लाइफ नहीं इंक्रीज होने वाली. नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस इज, लाइसेंस के रिन्यूअल की बात करें, अगर लाइसेंस लेने की बात करता तब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, बट यहाँ रिन्यूअल की बात हो रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि अगर रिन्यूअल हो रहा है इसका मतलब हर ही साल वो रिन्यू होगा. नेक्स्ट, विच इज अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने का कंसेप्ट किसकी वजह से, मैचिंग की वजह से, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ही कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आप बुक्स में प्रॉपर शो करो. नेक्स्ट, द इकोनॉमिक फैक्टर्स कॉजिंग डेप्रिसिएशन आर, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात पूछा तो बट ऑफ इस ऑप्सलेंस होगा, है तो सब बट इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आएगा, ऑप्सलेंस, दैट इज जैसे टेक्नोलॉजी ऑप्सलीट हो गई, पुरानी हो गई. ठीक, नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्यूमुलेटेड की बात क्या है तो कॉन्ट्रा अकाउंट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि एक तो हम जो पिछले सालों का जो भी डेप्रिसिएशन है उसको इकट्ठा करके दिखाते हैं और करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को भी हम उसमें चार्ज करते हैं. नेक्स्ट, the appropriate method of depreciation is to be adopted in case of livestock. Livestock के केस में हम लोग appraisal method use करते हैं. Clear? Next, sales are equal to cost plus profit, that is COGS plus gross profit. ये सब तो simple questions हैं. Next,
गुड्स गिवन एज सैम्पल शुड बी क्रेडिटेड टू, सैम्पल की बात कर रहा है और क्रेडिट करने की बात किया, तो सिंपल सी बात है एडवर्टीजमेंट टू परचेज होगा, क्योंकि जब भी आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या हो जाता है परचेज, क्रेडिट करने की बात किया तो परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर करेक्ट की बात कर रहे हैं सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने कराया है, जीपी माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एनपी। नेक्स्ट फिर देखो रॉयल्टी अकाउंट इज, अगर रॉयल्टी अकाउंट की बात करें तो सिंपली नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, रीजन बीइंग कि रॉयल्टी अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट ओपेंड इन, रिजर्व की बात किया तो लीजी बुक में होगा, नॉर्मल शॉर्ट वर्किंग होता तो लेसर की बुक में होता, बट रिजर्व बोला है तो लीजी की बुक में होगा। नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इन फ्यूचर इज शोन इन, रिकवर करने की बात कर रहा है वो भी कब, फ्यूचर में, तो वो हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं असेट साइड। नेक्स्ट नजराना पेमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो धीरे 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 करके राइट ऑफ होता है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री मेड फॉर इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग्स इन द बुक्स ऑफ लीजी, लीजी की बुक में हम लोग एंट्री क्या करते हैं किसके लिए, इरिकवरेबल पोर्शन के लिए, पीएल टू शॉर्ट वर्किंग, मतलब हम लोग उसको राइट ऑफ कर देते हैं, पीएल में अपने लॉस की तरह दिखाते हैं ना, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, किस अमाउंट के लिए जो रिकवर नहीं हो पाती, जो रिकवर नहीं हो पाती बेसिकली वो आप अपने पॉकेट से दे रहे हो तो आपका लॉस हो गया। नेक्स्ट द सेल ऑफ गुड एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात किया है ना, तो कैश परचेज सिस्टम, क्रेडिट परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लग सकता। नेक्स्ट द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन हायर परचेज सिस्टम इज, इंटरेस्ट की बात किया है उसके लिए हम हमेशा बेस क्या रखते हैं, कैश वैल्यू ऑफ द असेट, जो कैश वैल्यू होती है कैश प्राइस उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नेक्स्ट From which year Higher Purchase Act is applicable? Higher Purchase Act applicable है 1972 से। Next, in installment payment system, the payment of the good is done monthly installment, half yearly installment, yearly installment और periodic installment. But of this periodic installment, period के basis पे, जो period आप decide करोगे उस period के basis पे हम लोग payment करते हैं। अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इफ द बायर फेल्स टू मेक्स अ पेमेंट, वेंडर कैन, देखो आपसे असेट तो हम नहीं छीनने वाले क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यही होता है कि स्टार्टिंग में ही हम आपको ओनर बना देते हैं और वहाँ पे हमने पहले ही बताया है कि ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जिनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, तो हम आपसे असेट छीन के कुछ नहीं करेंगे, सीधे आप पे केस करेंगे कि आप हमें मेरा पैसा पे करो, दैट इज सू द बायर फॉर पेमेंट, सू मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल करना। नेक्स्ट Will not be included in branch account. इनमें से क्या branch account में नहीं आता, bad debts नहीं आता, क्योंकि अगर bad debts की बात करो तो वो debtor account में जाएगा। Next, in foreign branch account, the value of which of the following item is converted into average exchange rate. Average की बात करें तो revenue, जितने भी PL का item होते हैं उनको हम किस पे prefer करते हैं, average पे। Next, branch adjustment account is in the nature of, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की बात कर रहा है तो रियल अकाउंट होगा, पहले भी हमने ये चीज़ बता दी है कि अगर हम ब्रांच अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ब्रांच बेसिकली किस तरह का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। नेक्स्ट गुड्स विल स्पॉइल्ड विल बी शोन वाइल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच इन एचओ बुक्स इज, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट या ब्रांच वेस्टेज अकाउंट, अगर स्पॉयलेज की बात करें तो स्पॉयलेज हम कहाँ दिखाते हैं, स्पॉयलेज कह लो या शॉर्टेज कह लो, वो हम कहाँ दिखाते हैं, स्टॉक अकाउंट में। नेक्स्ट ब्रांच नॉर्मली सोल्ड कर रहा है गुड्स कॉस्ट प्लस इतने परसेंट पे, इन द ईयर 14-15 द ब्रांच सोल्ड गुड्स 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच विल बी, सिंपली क्या है कह रहा है कि अगर मान लो 100 हमारी कॉस्ट प्राइस है तो 33.33% प्रॉफिट हो गया, तो 133.33% पे तुमने सेल किया, इसका मतलब ये 1.5 लाख कितना है, 133.33% है, तो हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब अगर 1,50,000 133.33% है तो 100% कितना, कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा 1,12,500, क्लियर, इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू, हमसे कह रहा है कि डिपार्टमेंटल पीएल का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बट ऑफ इस जनरल पीएल में, ये हम बहुत बार बता चुके हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 134 से अगर 150 देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन है बिजनेस फाइनेंस के, और बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना, इसका आंसर हम आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ना हम लोग का 2015 का पूरा पेपर ख़त्म हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं 2016 की, तो ये समझ लो कि जो BHO की साइट पे 2016 MCOM BHO एंट्रेंस का पेपर है, उन्होंने गलती से वो BCOM का पेपर अपलोड किया है, ना कि MCOM का पेपर, क्लियर। तो BCOM का हम आप लोगों को 2016 का PDF शेयर कर देंगे। PDF में ही हम सारे आंसर्स भी मेंशन कर देंगे, और उसके अलावा उस PDF में जो 30 क्वेश्चंस रिलेटेड है अकाउंट से, वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने YouTube चैनल पे, तो उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से वो 30 क्वेश्चंस कवर कर लेना। और बाकी 2016 का पेपर हम डील नहीं करेंगे, बल्कि उसके सारे आंसर्स हम आप लोगों को PDF के साथ शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से 2016 का पेपर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2013 एंड 14 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तब तक तुम लोग ये 2015 एंड 16 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सो दैट हम आपको रिप्लाई कर पाएँ। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।